धार साइबर क्राइम और राजगढ़ पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी ने 2 माह पूर्व अपने साथी के साथ मिलकर गंधवानी की रहने वाली महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। महिला के गोली और चाकू से वार कर हत्या की गई थी और शव अलवदामान गांव में लाकर जला दिया था। घटना के 5 दिन बाद ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 माह से आरोपी के फरार होने पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। थाना गंधवानी के इस सनसनीखेज मामले में फरार आरोपी गोविंद पिता कालूराम निवासी सनावदा की गिरफ्तारी के लिए धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में थाना प्रभारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे को लगाया था। मुखबिर की सूचना पर गोविंद पिता कालूराम बागरी को मांगो तिराहे के आगे राजगढ़ की ओर भागते समय गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि अलवदामान पटेलपुरा में प्राथमिक स्कूल के पास केसरबाई पिता बकन भिल निवासी ग्राम नर्मदा नगर चौकी निसरपुर की लाश मिली थी। जांच में धार साइबर क्राइम टीम और गंधवानी पुलिस ने सोहन पिता सुखलाल वास्कल निवासी उदयपुर थाना मनावर को पकड़ा था, जिसने अपने साथी गोविंद बागरी के साथ मिलकर केसरबाई की हत्या करना कबूल किया था। धार ब्यूरो की रिपोर्ट। आज साइबर क्राइम धार और राजगढ़ पुलिस ने की एक जॉइंट सफलता है, जिसमें 10,000 रुपये का इनामी पकड़ा गया है। ये इनामी, जिसका नाम गोविंद पिता कालूराम बोडाना निवासी सनावदा थाना कानवन का रहने वाला है, ये थाना कानवन का हिस्ट्री शीटर है। और इम्पोर्टेंट ये है कि 2 महीने पहले गंधवानी थाना क्षेत्र में एक महिला का मर्डर हुआ था, जिसमें मर्डर करने के बाद महिला की लाश जला दी गई थी और वो काफ़ी सनसनीखेज अपराध था। उस अपराध में घटना दिनांक से ही गोविंद फरार था। इसे कल राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया, जहां पर एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस इसे रिकवर किया गया। हाँ, ये महिला केशरबाई की जो हत्या हुई थी थाना गंधवानी क्षेत्र में, और जहां मर्डर करने के बाद इसने और इसके साथी सोहन ने लाश को जला दिया था, उसमें इसे गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण में सभी मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।